हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान एनर्जी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, खासकर जब वो नॉन प्रेग्नेंट होती हैं तब एक एनर्जी का लेवल अलग होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद एनर्जी का लेवल अलग होता है, क्योंकि जब वो नॉन प्रेग्नेंट होती हैं तब उनके पेट में, उनके यूट्रस में बच्चा नहीं होता है। तो जैसे ही बच्चा आता है या कंसीव होता है तो माँ को एक्स्ट्रा काम करना होता है, माँ के बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का जो भी सेल, जो भी कार्य होता है वह एनर्जी पर डिपेंड करता है। अच्छी एनर्जी होगी तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, स्ट्रांग होंगे, कभी आपको वीकनेस नहीं लगेगी, और एनर्जी कम होगी तो वीकनेस आपको लगेगी। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे के डेवलपमेंट करना होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चे में नए सेल बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, तो हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। बल्कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा बेबी को, एक्स्ट्रा बेबी मतलब डेवलप कराना है पेट के यूट्रस में, तो कितनी एनर्जी की डिमांड होती है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ते जाएगी, शुरू ट्राइमेस्टर की बात करें, शुरू के तीन, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है कम हो, फिर सेकेंड में थोड़ी ज़्यादा हो, और थर्ड में और ज़्यादा, लगातार आपकी जो एनर्जी की डिमांड है बिल्कुल बढ़ते जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी है वही पूरे की पूरे बच्चे को डेवलप कराने में हेल्प करती है। तो एग्जैक्टली क्यों आवश्यक होती है एनर्जी प्रेगनेंसी में, या प्रेगनेंसी के दौरान माँ के बच्चे में या उस महिला में एनर्जी जस्ट कैसी हो जाती है, बहुत अधिक ज़्यादा हो जाती है, प्लस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है, जो नवजात शिशु अंदर है, अंदर बच्चा जो डेवलप हो रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, मतलब जो मूवमेंट कर रहा है वो, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसे करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। सेकेंड बात करेंगे प्लासेंटा, जो प्लासेंटा है जिसके अंदर लिक्विड होता है और उसमें होता है वो ना, जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है, उस प्लासेंटा की ग्रोथ के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी प्लासेंटा का साइज़ बढ़ेगा, प्लासेंटा के अंदर का लिक्विड बढ़ेगा, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि नई सेल बनेगी तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। साथ में जो माँ का जो टिश्यू होता है, माँ के जो सेल्स होती हैं वो भी डेवलप होती हैं, माँ में भी कई प्रकार का बदलाव आता है, उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, बॉडी में एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए एनर्जी की डिमांड होती है, तो वो करना होता है। आगे बात करेंगे जो है इसमें क्या होता है, बच्चे का जो ग्रोथ है, बच्चे का जो साइज़ है वो बढ़ाने के लिए, बच्चे के नॉर्मल साइज़ को मैनेज करने के लिए, 9वें मंथ तक जो बच्चे का नॉर्मल साइज़ होना चाहिए, पूरे ऑर्गन प्रॉपर डेवलप होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ में नॉर्मल जो माँ का जो बॉडी वेट है वो बढ़ता है तब एनर्जी की आवश्यकता होती है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, माँ का जो वेट है बढ़ता ही है, और उस वेट को बढ़ रहा है इसका मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। यदि कम एनर्जी लेंगे तो वो वेट जो प्रॉपर बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करेंगे कि जो बॉडी के अंदर जब भी प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी के अंदर की जो मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसे हम बोलेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, बहुत अधिक बढ़ जाता है, लगभग 5% बढ़ जाता है, ठीक है ना, 5% शुरू के ट्राइमेस्टर में 5% बढ़ता है, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में और करीब 10% बढ़ जाता है, और आगे की बात करेंगे तो बढ़ता ही रहता है। तो ये BMR जो होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, लगातार बढ़ते जाता है, और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है मतलब एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा हो रही है, तो इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लेना पड़ता है, और इस सब एनर्जी को लेने के लिए आपको अच्छा खासा डाइट लेना पड़ेगा। और डाइट में ऐसा है कि आपको हर 2 से 2.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है, ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना है। जितना अच्छा डाइट लेंगे, जितना बैलेंस डाइट लेंगे, जितने अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, जितने अच्छे फ्रूट्स लेंगे, दूध लेंगे, नॉन वेज में तो एग लेंगे, तो आपकी बॉडी में एनर्जी जो होती है वो मिलती रही, क्योंकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है
वो आपको खाने से ही मिलेगी। और खाने में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। लेकिन हमारे इंडिया में सबसे कॉमन जो एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। इसलिए आपको, और जो हम डाइट लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ही ज़्यादा होती है, इसलिए आप हर 2-2 घंटे में कुछ खाते रहें ताकि आपकी बॉडी की जो डिमांड है वो पूरी होते रहे और प्रॉपर एनर्जी मिलते रहे, आपकी माँ की भी ग्रोथ होते रहे, साथ में बच्चे की भी ग्रोथ प्रॉपर होते रहे। यदि आप इसको मैनेज करके रखेंगे तो माँ को कभी कोई परेशानी नहीं होगी, माँ को कभी वीकनेस नहीं होगी, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल वेट बना रहेगा, माँ हमेशा एनर्जेटिक रहेगी, तो बच्चा भी कैसा रहेगा, एनर्जेटिक बना रहेगा। इसलिए एनर्जी को मेंटेन करना है हर 2-2 घंटे में, अच्छा प्रॉपर फूड मटेरियल लेके, ग्रीन वेजिटेबल्स लेके, फूड अच्छा लेने के बाद आपकी जो एनर्जी प्रॉपर बनी रहेगी, जिससे आप हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, 9 महीने आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम भी बिल्कुल बैलेंस में काम करता रहेगा। ठीक, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और यदि कोई परेशानी है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।